विराट कोहली इज ग्रेट पर्सन. मैंने बहुत देखा है उन्हें, बहुत फॉलो भी करती हूँ मैं. बस वो हैंडसम भी है और दिखने में भी अच्छा है और क्रिकेट भी अच्छा खेलता है. बाबर आजम भी बहुत अच्छा प्लेयर भी है, ही इज आल्सो हैंडसम. मगर पहले मैं लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, मगर विराट कोहली के आगे तो कुछ नहीं. एक राजा को मन मीत बनाए कैसे. बिकॉज विराट कोहली इज माई फेवरेट प्लेयर, मैं स्पेशली उनके लिए यहाँ पर मैच देखने आई थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी हिम. क्यूट है जरा विराट कोहली, इसलिए अच्छा लगता है. बाबर आजम और विराट कोहली, लोग हमेशा विराट कोहली को गर्ल्स लाई करेंगी. फिलहाल यहाँ पे योगदान वहाँ पे सबसे बांगड़ा है. वो पाकिस्तानी लेके आएगा तो वैसे ही फिदा हो गई हैं. विराट कोहली भैया है, पंजाबी मुंडा है, दिल्ली का मुंडा है. वो कटिंग भी यहाँ पे बाबर आजम तो करवा नहीं सकता. विराट कोहली अच्छा खेलते हो, पाकिस्तान भी खेलने आओ. आप खुश हो गए पाकिस्तान आके खेल के, हम लोगों को पाकिस्तानी आप लोगों को प्यार देंगे. टपा टप टपा टप टपा टप चपा चप चपा चप ऐसा करके टपा टप टपा टप टपा टप. डिनर या लंच का मौका मिले आपको, इंडिया के किस प्लेयर के साथ डिनर या लंच करें? विराट कोहली. इनको चाहिए विराट कोहली, ये डेट करेंगे विराट कोहली के साथ. इनके पास इतना पैसा है, ये तो डिजाइनर कपड़ों का पोछा बनाते होंगे. तुमको रजा मुराद भाव नहीं दी. अगर दोनों में से एक के साथ डेट करने का मौका मिले, किसके साथ डेट करेंगे? विराट के साथ भी नहीं. विराट कोहली इतना ज्यादा हैंडसम क्यों है? ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा उनकी डाइट के बारे में, और फिर उनसे प्ले जो मेथड है वो पूछना पड़ेगा कि किस तरह जो है वो इतना अच्छे भी लगते हैं और साथ खेलते भी बहुत अच्छे हैं. गुड मैन है, गुड लुकिंग है, बहुत हैंडसम है, सबको ही लगते हैं और मुझे भी लगते हैं अच्छे हैं. दैट ऑब्वियसली. औकात में रहो बेटा, जो तुम्हारे मुल्क के हालात है ना और तुम्हारी औकात है उसके अकॉर्डिंग सपने देखा करो. सुनते जाइए, ये हजार बंदा कि ना राशन के लिए खड़ा होता है लाइनों में, तो पांच बंदों को ये राशन मिलता है. महंगाई मुकाओ मार्च कर किरदार में आने के बाद अगर कारकर्दगी परफॉर्मेंस ये है तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि मकसद कभी भी अवाम को रिलीफ देना था ही नहीं. सुनकर अच्छा लगा. गरीबों को तो सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया उन्होंने. सबसे बेस्ट बैट्समैन मेरा ख्याल से तो अभी भी वही है विराट. और आज का पूरा मैच मुझे लगता है बनाने में विराट कोहली का बहुत हाथ है. कोई छोटी चीज नहीं है, वो भी T20 वर्ल्ड कप में सुपरस्टार. हाँ, मेरे ख्याल से अगले 20-25 साल कम ही कोई इसको इसके करीब पहुंचेगा जैसी इसकी परफॉर्मेंस है. बिग विराट कोहली फैन मी ऑल द वे. तो बाबर आजम को कोई मैसेज? हाँ, उनको अपनी डाइट बेटर करनी चाहिए ताकि जो उनका पेट निकला हो थोड़ा अंदर चला जाए. सबसे पहले तो आप सबको और हमारी पूरी टीम को, हमारे पूरे देश को बहुत बहुत बधाइया हो, हम वर्ल्ड कप जीत गए यार. कॉन्ग्रेचुलेशन. ये खुशी से मैं ना पागल हो गई हूँ. अच्छा, खुशी के मारे उड़ रही हूँ. अरे वाह. लेकिन वही थोड़ी दुखदायी खबर ये रही कि जो हमारे किंग है विराट कोहली, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट ले लिया. वैसे तो रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने भी लिया है, लेकिन आप सब तो जानते ही है ये पाकिस्तानी लड़कियां विराट कोहली पर कितना मरती है यार. मतलब हद हो गई. अनुष्का भाभी है विराट कोहली के पास, तुम अपने काम से काम रखो, तुम डिजर्व भी करती हो विराट कोहली को. विराट कोहली की नौकरानी बनने लायक नहीं हो तुम. शक्ले देखी अपनी. विराट में ऐसी क्या चीज जो बाबर में नहीं है? ही इज सेक्सी. विराट कोहली ही इज सेक्सी. कमबैक उसने कैसा किया? ऐसा कमबैक मैं कहती हूँ लगता ही नहीं कि उसके रिटायरमेंट करीब है. ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब नया नया जोश जज्बा है और वो सारा जोश जज्बा दिखा दिया. पहला सवाल क्या आपके जहन में आ रहा है कि आप उनसे पूछेंगी क्या आप इतने प्यारे कैसे हैं? विराट कोहली की पर्सनैलिटी और लुक्स के बारे में क्या कहोगी? अच्छी लुक्स हैं, अच्छी पर्सनैलिटी. अनुष्का शर्मा ने कुछ देखा तो शादी किया ना, एमए तो नहीं ना बच्चा फसा लिया. हाय कितना हसीन लड़का है कसम से. यही सोचूंगी क्या ये वाकई में विराट कोहली है, ये मेरे सामने बैठा हुआ है, इसकी लाइव देख रही हूँ मैं यार, उसके साथ मैं डिनर पर आई हुई हूँ. यही सोच सोच के मैंने बस पागल हो जाना है. कोहली है तो यार बस उनकी तो फेस, उनका स्माइल और उनके जो एटीट्यूड है क्रिकेट के मैदान में वही देखिए देखा जाए ना सर में. तो विराट के साथ लंच पे जाओगी, कॉफी पे जाओगी या डिनर पे जाओगी? यार कुछ करना तो बड़ा करो, डिनर पे जाएंगे. यानी खर्चा करोगी या कराओगी? नहीं करवाऊंगी.
अच्छा, जो इंडियन ऑडियंस इस वक्त आपको देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देंगी? आई लव यू सो मच, मुझे बुला रहे हैं। मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी। बच्ची बहुत प्यारी है, देख बुला ले। वैसे विराट कोहली एज अ प्लेयर आपको कैसे लगते हैं? अच्छा, वर्ल्ड कप में ना वो इतने आउट ऑफ मतलब आउट ऑफ फॉर्म थे, वो तो काफी लोग ये कह रहे थे कि अभी उनके फाइनल परफॉर्मेंस बाकी है। वो आज पता लगा वाकई उनकी फाइनल परफॉर्मेंस बाकी थी। तो एज अ प्लेयर आपको कैसे लगते हैं वो? गुड मैन है, गुड लुकिंग है, बहुत हैंडसम है, सबको ही लगते हैं और मुझे भी लगते हैं, अच्छे हैं। आपको भी लगते हैं गुड लुकिंग? जाहिर है स्पोर्ट्स में है तो फिर तो अच्छे लगेंगे ही। अच्छा। जी, खेलता उनका प्रेशर कितना होता है सामने वाले? सामने वाले बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कब कौन सी बॉलिंग करा दे, कब कौन सी बैटिंग कर दे, उनका कोई पता नहीं होता। आज इंडिया का स्कोर हैवी करने में विराट कोहली का हाथ था आपको लगता है? हाँ जी बिल्कुल लगता है, जाहिर है इतनी एफर्ट कर रहा है, इतनी मेहनत की है तो उसका तो हाथ होगा ही, जाहिर है अपनी टीम को आगे लाने के लिए। विराट है ना, उनको तो लेवल ही अलग है, कौन नहीं उनसे डेट करना चाहेगा। जाहिर सी बात है मैं बाबर आजम को थोड़ा सा साइड पे करके विराट को सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि जिस तरह से उनकी फिजिक है ना और उनकी फिजिकल हेल्थ है, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे भी थोड़ी सी गाइड दें विराट कोहली कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ताकि मेरे भी आप थोड़े से एब्स नजर आए। कहाँ विराट कोहली और कहाँ बाबर आजम, क्लास चेक करें आप कि क्लास का कितना फर्क है। कहाँ पेंडा बाबर? बाबर आजम या विराट कोहली? विराट कोहली। विराट कोहली क्यों? हाँ यार, वो तो लाखों दिलों की जान है वो तो, और वो इतना अच्छा है यार, बहुत अच्छा नाइस पर्सन है, और यार इतना डैशिंग है वो, क्यों नहीं कोई उसके साथ डेट पर जाना चाहेगा, सारे उसी के साथ जाना चाहेंगे। बाबर आजम क्यों नहीं आपका लाइक एक तरह से क्रश बना अभी तक? नहीं बाबर आजम नहीं, वो उनसे ना थोड़ी भाइयों वाली फीलिंग मतलब आती है ना बाबर आजम से। हाँ ना, वो ऐसे बड़े भैया और भाई अच्छे हैं, वो भी पसंद है, लेकिन उनसे फीलिंग वो वाली आती है। अब क्या कर सकते हैं, और विराट कोहली साहब क्या कहते हैं, वो मेरी जान है और सब कुछ है, और दूसरों की जान आपने नहीं बनना, आप सिर्फ मेरी जान है। यकीन करें उनकी परफॉर्मेंस, उनकी बैटिंग, उनका बात करने का स्टाइल, हर एक चीज़ सुनिए, उनकी आप स्टाइलिंग देख लें, उनका लाइफ स्टाइल देख लें भाई, उनको फॉलो करते हैं लोग। अगर मैं उनको बताऊँ, यहाँ पाकिस्तान में उनको लोग बहुत फॉलो करते हैं कि विराट कोहली ऐसा करता है, उसकी ड्रेसिंग ऐसी है। अच्छा, कह रही है मुझे इंडिया पता नहीं क्यों पसंद है, ये आपको भी नहीं पता। अच्छा चलो, अगर डिनर या लंच का मौका मिले आपको, इंडिया के किस प्लेयर के साथ डिनर या लंच करेंगे? विराट कोहली। विराट। अच्छा, पहला सवाल क्या आपके जहन में आ रहा है कि आप उनसे पूछेंगे? क्या इतने प्यारे कैसे? आप क्या कहेंगे? सोचे, सीन क्रिएट करते हैं आपके सामने, विराट और डिनर या लंच का मौका मिल गया आपको, कुरानदाजी में आपका नाम निकल आया। नहीं सचवाए भी ना मुझे ऐसे। सोच रही होगी हम इसको उठा देंगे फौरन, उठ जाओ ख्वाब से। जो ख्वाब ही लग रहा है, पाकिस्तानी टीम के तो वैसे ही प्लेयर्स बहुत अनफिट हैं, किसी का टेढ़े निकला बंदा पर भी इंडिया वालों भी सकता है, क्या करे। आजम खान और क्या बना, वो सिर्फ वहाँ खाने जा सकता और कुछ नहीं। विराट ऑब्वियसली सबसे बेस्ट बैट्समैन मेरा ख्याल से तो अभी भी वही है विराट, और आज का पूरा मैच मुझे लगता है बनाने में विराट कोहली का बहुत हाथ है। रन्स कोई छोटी चीज नहीं है, वो भी T20 वर्ल्ड कप में खड़े रहना। साउथ अफ्रीका भी कम्पेटिटिव थी काफी ज्यादा, तो दे डिजर्व दिस विक्ट्री। अब आपको देख रहे हैं प्यारी प्यारी लड़कियाँ, क्या कहेंगी? Congratulations and you guys deserve this one. आप क्या कहेंगे 17 साल बाद वर्ल्ड कप इंडिया में आ गया है? For sure they deserved it, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो जो जितना डिजर्व करता है उसको इतना मिलता भी है, और इंडिया डिजर्व कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। काफी टाइम से मैम 2023 की बात करें, 10 मैच जीते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन इंडिया का दिन नहीं था, वो फाइनल नहीं थे, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अपनी जबरदस्त कैप्टनशिप थी उसकी, बिल्कुल प्लानिंग थी बहुत ज्यादा अच्छी, और हो सकता है कि वो रिटायरमेंट भी दे दे इस वर्ल्ड कप के बाद। आई होप कि हमारे जो मुल्क के प्लेयर्स हैं वो भी थोड़ा सा उनसे थोड़ी सी इंडिया से सीख ले। बिल्कुल। विराट कोहली जो खेल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या कहेंगे? कहना क्या है, बोलती बंद कराती है, मुंह पे जिप लग गया, लाइक डेली नहीं कर रहा क्या अपनी बोलती, अब जो है वो हम दोबारा से ऑन करें। लेकिन द थिंग इसके बहुत अच्छा खेला है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट थिंग, बट इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो एक्सेसिव अच्छा खेला है, कि इतना अच्छा लाइक ओ माई गॉड, लाइक कमबैक उसने कैसा किया, ऐसा कमबैक मैं कहती हूँ लगता ही नहीं कि उसके रिटायरमेंट करीब है।
ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब नया नया जोश जज्बा है और वो सारा जोश जज्बा दिखा दिया है। जब भी उसको देखते हैं एक अच्छा इम्प्रेशन आता है, वो हमेशा ऐसा ही लगता है कि यार ये बस मजीद 50 साल और ये चलने वाला है। लाइक इतना अच्छा वो खेलता है, लाइक मैं तो उसकी पहले से ही फैन थी, अब और बड़ी बड़ी फैन हो गई। तो ये था आज का वीडियो और देखा कैसे पाकिस्तानी लड़कियां पगला गई है यार, बाहुली हो गई है विराट कोहली के लिए। इवन इंडियन लोंडो के लिए तो बाहुली रहती है यार ये, पता नहीं क्यों पाकिस्तान में सारे मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो फिर बोलोगे कि तू भाई ये क्या बोल देती हो, फैमिली के साथ बैठे रहते हैं। तो पाकिस्तानी लड़कियों को मैं बस इतना ही कहूंगा, ये ले लो तुम बाबा जी का ठुल्लू, इसके साथ डेट कर लो तुम। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्यों यो किट्टू भाई।